Rahmanir Rahim. My name is Adina Zafar. Today the topic of my presentation is evolution of human society. इसमें हम लोग ह्यूमन सोसाइटी के चेंजेस के बारे में देखें किस तरीके से चेंजेस आए ह्यूमन सोसाइटी में. Now first we will discuss about what is society. The term society is derived from Latin where socius means companionship or friendship. It is stated as a group of people living as a community or in a group for a common purpose. People who interact in a defined territory and share a common culture and social culture and expected to abide by some laws. Society का word लैटिनी जबान से निकला है, इसको socius कहते हैं. इसका मतलब होता है companionship या friendship. बेसिकली सोसाइटी हमारे पास उसको कहते हैं कि जहाँ पे लोग रहते हैं, एक एरिया में एक ग्रुप रहता है या फिर लोगों का एक ग्रुप रहता है या कम्युनिटी के फॉर्म में रहता है, वो एक कॉमन पर्पस शेयर करते हैं फॉर अ कॉमन पर्पस के लिए या फिर एक कॉमन कल्चर शेयर करते हैं और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं. एक कम्युनिटी में रहने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करते हैं. सम फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ सोसाइटी सिंस टाइम्स इमोरल. There are two types of societies in pre-industrial and industrial society. So first we will discuss about pre-industrial society. The pre-industrial society kya hai? It refers to specific social attributes and forms of political and cultural organization that were general before the advent of industrial revolution which occurred from 1715 to 1850. Basically industrial society hamare paas pre-industrial society basically industrial society se jo pehle jo societies hoti hain wo pre-industrial societies hoti hain. उसमें जितने भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, कल्चरल एट्रीब्यूट्स हैं, फॉर्म्स वगैरह, उन सबको डिस्कस करेंगे. नाउ फीचर्स ऑफ प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज क्या हैं? यूज ऑफ द सिंपलेस्ट टेक्नोलॉजी डेट डेवलप लोकली विद द हेल्प ऑफ इनिशियल नॉलेज. इसमें हमारे पास सिंपलेस्ट टेक्नोलॉजी, सिंपल टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं जो खुद ही डेवलप की जाती है, यानी अपनी इनिशियल नॉलेज को यूज़ करते हुए डेवलप करते हैं, उन टूल्स वगैरह को यूज़ करते हैं. दे आर प्रो लिटरेट नॉलेज होती है इनके पास. लो डिवीजन ऑफ लेबर्स होती है. एक बंदा डिफरेंट तरह के जो काम कर सकता है. जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर इज कॉमन होते हैं. डोमिनेंस ऑफ रिलीजियस एंड सुपरस्टिशियस बिलीव ओवर पीपल डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज. रिलीजियंस पे बिलीव होते हैं इनका ज़्यादा और सुपरस्टिशियस बिलीव मीन्स कि सरकारी बिली रास्ता काट के तो वापस चले जाना, इस तरह के बिलीव होते हैं इन लोगों में. वो ज़्यादा डोमिनेंसी होती है इन चीज़ों की. सब टाइप्स ऑफ प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़. Hunting and gathering societies, horticultural and pastoral society and agricultural society. So first we will discuss about hunting and gathering societies. Until about 12,000 years ago, our societies were hunting and gathering society. 12,000 साल पहले से जितनी भी हमारे पास societies थी वो hunting and gathering societies थी. ये हमारे पास क्या था इसमें, use of simple tools to hunt animals and gather vegetation. ये सोसाइटी हमारे पास सिंपल टूल्स यूज़ करती थी कि एनिमल्स को हंट करने के लिए और वेजिटेशन वगैरह को गैदर करने के लिए. इनका बेसिकली अर्ली सोसाइटी, इनका पर्पस सिर्फ खाने पीने का था और बस. स्मॉल बैंड्स की फॉर्म में रहते थे, बिल्ट इन किनशिप खानदान की फॉर्म में रहते थे कि मीन्स कि अगर बेसिकली माउंटेन में रहते थे, अगर एक खानदान खानदान अगर एक किसी ने मूव करे तो पूरा खानदान मूव करेगा एक जगह दूसरी जगह. जेनरेशन में होते हैं हमारे पास इक्वालिटी थी लोगों के दरमियान. लीडरशिप स्पिरिचुअल, लीडरशिप बेसिकली स्पिरिचुअल होती थी. रूहानियात की बेस पे किसी को अपना लीडर बनाते थे. लिटिल कंट्रोल ओवर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पे इनका कंट्रोल नहीं होता था. जिस तरीके से आजकल अर्थक्वेक वगैरह को प्रेडिक्ट कर लिया जाता है कितनी अर्थक्वेक आया है, जिस तरह हमारे वेदर को प्रेडिक्ट कर लिया जाता है कि, लेकिन इनका कोई कंट्रोल नहीं होता था. हमारे पास ये सिंपल टेक्नोलॉजीज वगैरह होती थी इनके पास, सिंपल टूल्स वगैरह यूज़ करते थे. हॉर्टिकल्चर एंड पेस्टोरल सोसाइटीज़. हॉर्टिकल्चर एंड पेस्टोरल सोसाइटीज़ जो थी हमारे पास 10,000 to 12,000 years पहले जो हमारे पास सोसाइटी वो हॉर्टिकल्चर पेस्टोरल सोसाइटीज़ थी. इन हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़ पीपल यूज सिंपल हैंड टूल्स टू रेज द क्रॉप. हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़ में लोग सिंपल टूल्स वगैरह यूज़ करते थे क्रॉप्स के लिए, खेती बाड़ी के लिए. In pastoral societies, people raise and herd sheep, goats, camels and other domesticated animals and use them as a source of food and also for transportation. Pastoral societies में जो हमारे पास animals वगैरह को use किया जाता था, लोग animals वगैरह को use करते थे इसलिए कि वो एज ए सोर्स ऑफ फूड के तौर पर यूज़ करते थे या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते थे. दो चीज़ें होती थी. Pastoral societies tend to be least somewhat nomadic as they often move to find better grazing land for their animals.
पेस्टोरल सोसाइटीज जो थी हमारे पास नोमैडिक थी, खाना बदोश थी, मीन्स हिजरत करती थी एक जगह से दूसरी जगह पे। वो हिजरत क्यों करती थी कि उन्हें बेटर जगह चाहिए होती थी, अच्छी जगह चाहिए होती थी अपने एनिमल्स के लिए कि वो वहाँ पे उनको चरवा सके। ऑन द अदर हैंड हॉर्टिकल्चरल सोसाइटीज टेंड टू बी लेस नोमैडिक एज दे आर एबल टू कीप ग्रोइंग देयर क्रॉप्स इन द सेम लोकेशन फॉर सम टाइम। जो हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज थी वो लेस नोमैडिक थी, मीन्स ज़्यादा मूव नहीं करती थी, एक जगह ये लोग फेंकते थे एक लोकेशन में और उधर खेती बाड़ी करते थे और क्रॉप्स वगैरह को फूड वगैरह को उगाते थे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ वन गॉड इज डोमिनेटेड इन बोथ सोसाइटीज। कॉन्सेप्ट एक खुदा का जो कॉन्सेप्ट था वो दोनों उसमें दोनों सोसाइटीज में माना जाता था, डोमिनेटेड था। एग्रीकल्चर सोसाइटीज हमारे पास क्या होती हैं, एनिमल्स आर यूज टू पुल क्लोज लार्जर एरियाज ऑफ लैंड एंड देन बी कल्टिवेटेड। लार्जर एरिया जिस तरह की पिक्चर में शो हो रहा है कि लार्ज एरिया को यूज़ किया जा रहा है कल्टिवेशन के लिए, एज अ सॉइल इज एरेटेड ड्यूरिंग फ्लोइंग इट यील्ड्स मोर क्रॉप्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, पीपल डू नॉट हैव टू मूव बिकॉज देयर इज अ प्लेंटी ऑफ फूड। इस सोसाइटी में लोग जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते थे क्योंकि इनके पास फूड की क्वान्टिटी ज़्यादा होती थी, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारे पास एक लार्जर एरिया, ज़्यादा एरिया कल्टिवेशन के लिए हमारे पास क्वांटिटी भी ज़्यादा, ज़्यादा देर के लिए हमारे पास, ज़्यादा टाइम के लिए ये लोग हमारे पास क्रॉप्स वगैरह होती थी वो सेव हो जाती थी। टाउन्स फॉर्म एंड सिटीज एज अ क्रॉप यील्ड आर हाई, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी टू इंगेज इन फार्मिंग, सो सम पीपल बीइंग डेवलपिंग अदर स्किल्स। क्रॉप्स यील्ड्स आर हाई, इस तरीके से हमारे पास क्रॉप्स वगैरह की खेती बाड़ी का काम इंक्रीज होता गया, हमारे पास फूड की क्वांटिटी ज़्यादा होती गई, तो लोगों ने क्या किया कि दूसरी स्किल्स में इन लोगों ने काम स्टार्ट किया, दूसरी स्किल्स वगैरह सीखना स्टार्ट करते। जॉब स्पेशलाइजेशन इंक्रीज हो गई थी, ओनली सम पीपल आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड। कुछ लोग हमारे पास जो होते थे इस्तेमाल किए जाते थे प्रोडक्शन ऑफ फूड के लिए। द इकॉनमी बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, इकॉनमी कॉम्प्लेक्स हो गई थी, बेहतर हो गई थी इसकी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन द मिड 1700 व्हेन द स्टीम इंजन वाज फर्स्ट यूज्ड इन द ग्रेट ब्रिटेन एज अ मींस ऑफ रनिंग अदर मशीन। 1700 ईयर के 1700 के दरमियान में ये कोई हमारे पास स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस करवाया था ग्रेट ब्रिटेन ने एज अ मींस ऑफ रनिंग अदर मशीन्स। विद द यूजेज ऑफ स्टीम पावर ह्यूमन बींग स्टार्टेड टू यूज मशीन एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज टू प्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। लोगों ने स्टीम इंजन स्टीम पावर यूज़ किया और इससे हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजीज वगैरह बनाई, गुड्स वगैरह बनाए और सर्विसेज प्रोड्यूस की। द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी लेड टू एडवांस इन फार्मिंग टेक्निक्स, हमारे पास फार्मिंग टेक्निक्स में भी हमारे पास ग्रोथ ज़्यादा हो गई थी, फार्मिंग टेक्निक्स हमारे पास एडवांस हो गई थी। फ्यूडल क्लास सोशल क्लास रिमूव बट देन सोसाइटीज डिवाइडेड टू टू पार्ट्स, वर्कर एंड नॉन वर्कर। फ्यूडल सोशल क्लास में जब इदारा ना जो सिस्टम था वो ख़त्म हुआ और हमारे पास सोसाइटी को डिवाइड किया दो इसमें हिस्सों में, वर्कर और नॉन वर्कर। मूव फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न सिस्टम में चले गए थे ये लोग। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी हमारे पास कौन सी सोसाइटी है नाउ? द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इन बेस A primary means of subsistence is derived from service-oriented work as opposed to agriculture industry. Post-industrial society means कि हमारे पर advanced technologies आ गई थी, more advanced technologies आ गई थी, उनको अब choose करना है। Agriculture industrial societies के बाद हमारे पास जो आई थी society वो post-industrial society थी, means उसको कहते हैं knowledge-based society. This society has developed over the past few decades. कुछ साल पहले हमारे पास ये society आई थी, कुछ few decades पहले हमारे पास ये society आई थी। हाई टेक्नोलॉजीज और कंप्यूटर्स को यूज़ करते थे, इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च बेस्ड सोसाइटी थी, रेफर टू ग्लोबल बच्चे ग्लोबल ग्लोबलाइजेशन होती थी इसमें। अब हम सोसाइटीज को फर्दर डिवाइड करते हैं। ह्यूमन सोसाइटी कैन आल्सो भी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग थ्री पार्ट, नोमैडिक वर्सेस सेडेंटरी सोसाइटी, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न एंड रूरल वर्सेस अर्बन सोसाइटीज। नोमैडिक सोसाइटीज हमारे पास क्या होती है, नोमैडिक सोसाइटी हमारे पास में कोई डेज सोसाइटी में नो परमानेंट प्लेस, कोई इनका परमानेंट प्लेस नहीं होता सेटलमेंट के लिए। जियोग्राफिकल मोबिलिटी होती है, मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी, एब्सेंस ऑफ ऑनरशिप, एब्सेंस ऑफ ऑनरशिप की होती है कि हमारे पास कोई एक परमानेंट प्लेस नहीं होता इनका रहने के लिए। ट्रेडिशनल भी होता है रहने के लिए, स्ट्रिक्ट सोशल नॉर्म्स होते हैं, लोकल कल्चर को फॉलो करते हैं,
और रेजिस्टेंस टू सोशल चेंज को रिजिस्ट करते हैं। सेडेंट्री सोसाइटी क्या होती है कि इनके पास दिस सोसाइटी में परमानेंट सेटलमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। इन सोसाइटीज़ के पास एक परमानेंट प्लेस होते हैं रहने के लिए, ट्रांसफर ऑफ एंसेस्ट्रल लैंड, प्रेजेंस ऑफ सब कल्चर्स होते हैं, प्रेजेंस ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स, लेस सोशल मोबिलिटी, सोशल रिफॉर्म, एथ्नोसेंट्रिज्म मीन्स के हमारे पास एवोल्यूशन होती है कल्चर्स की, दूसरे कल्चर्स को भी ये लोग एवेल्युएट करते हैं। लेस सोशल चेंजेस होती हैं कि सोशल चेंज किया जाता होता है लेकिन कम होता है। पिक्चर में शो हो रहा है कि हमारे पास जो नोमैडिक है जो एक जगह दूसरे का मूव कर रहा है, सेडेंटरी नीचे एक जगह आ रहे हैं, रूरल अर्बन एरिया उनका परमानेंट सेटलमेंट प्लेस होता है। ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न सोसाइटीज, नॉन इंडस्ट्रियल ट्रेडिशनल सोसाइटीज क्या होती हैं, नॉन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, सिंपल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन होते हैं। सिंपल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन मीन्स के लिए ज़्यादा हमारे पास ना ही यूनिवर्सिटीज होती हैं, ना ही स्कूल होते हैं, ना ही कॉलेजेस होते हैं। सिंपल वे ऑफ लिविंग होता है, लैक ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन फैसिलिटीज होती है, स्लो सोशल इंटरेक्शन होता है। क्योंकि स्लो सोशल इंटरेक्शन क्यों होता है, क्योंकि मॉडर्न कोई फैसिलिटीज जो होती है ना, मॉडर्न फैसिलिटीज नहीं होती कम्युनिकेशन की। पॉपुलेशन स्मॉल होती है, लेस सोशल चेंज होता है। ओके, मॉडर्न सोसाइटी, एडवांस इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी, अर्बनाइजेशन डेंसली पॉपुलेटेड होती है हमारे पास मॉडर्न सोसाइटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती है, बेटर इनकम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इनकम की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा बेहतर होती हैं, कि हमारे पास जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होती है, जिससे इनकम की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं होती हैं। क्राइम रेट हाई हो जाता है, वुमेन स्टेटस भी हाई होता है। इधर कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटीज में वुमेन एंड मैन आर इक्वल होते हैं। इस तरीके से ये हमारे पास है ट्रेडिशनल सोसाइटी के ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, और जो मॉडर्न सोसाइटी है कि एक मोबाइल के थ्रू हमारे पास ऑनलाइन सारे काम हो रहे हैं, आप इनकम बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब्स की भी, और जॉब भी कर सकते हैं ऑनलाइन तो कुछ। ओके, रूरल एंड अर्बन वर्सेस अर्बन सोसाइटीज में कहते हैं, रूरल सोसाइटीज हमारे बेसिकली ओपन सेटलमेंट होता है। ओपन सेटलमेंट मीन्स कि हमारे पास खुले आसमान के नीचे लोग रह रहे होते हैं, मड कंस्ट्रक्टेड हाउसेज होते हैं, इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, फैमिली पे कंट्रोल नहीं होता इनका, ठीक है। और लो लिटरेसी रेट होते हैं, लिटरेसी रेट इनका कम होता है, पुअर अर्बन फैसिलिटीज़ होती हैं, अर्बन फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं होती, जिसकी कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस के हैं। जो लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं वो सही तरीके से प्रॉपर क्लासेज नहीं अटेंड कर सकते, क्योंकि नेट की फैसिलिटीज़ नहीं है, और भी हमारे पास होती हैं, कि स्कूल सिस्टम नहीं प्रॉपर होता, ना ही अर्बन रूरल एरियाज़ में हमारे पास हॉस्पिटल वगैरह प्रॉपर होती, कुछ भी नहीं होता। लेस सोशल चेंज कम होता है। अर्बन सोसाइटीज़ में होता है डेंस सेटलमेंट पैटर्न होता है, अर्बन फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है, फॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं, कि ज़्यादा स्कूल कॉलेज वाले होते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर होते हैं, मीन्स कि एक जिसमें हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर जो प्रॉपर होती है, कि इसका कंप्यूटर इंजीनियर है तो हमारे पास कंप्यूटर से ही रिलेटेड काम करेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड काम करेगा। इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट कंपटीशन होता है बहुत ज़्यादा, कि एक बिजनेस दो बिजनेस उनके दरमियान कंपटीशन होगा, इस तरीके से स्टूडेंट्स के दरमियान कंपटीशन होता है। लेकिन हमारे पास रूरल सोसाइटीज़ हैं, ये रूरल है, और ये हमारे पास साथ एक पिक्चर अर्बन सोसाइटीज़ की। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।